अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो नॉर्थ कोरिया को चोरी छिपे ऑयल सप्लाई कर रहा है। ट्रंप का दावा है कि ऐसा करते हुए चीन को रंगे हाथों पकड़ा गया है। इससे पहले साउथ कोरिया ने सैटेलाइट इमेज के हवाले से कहा था कि चीन के शिप्स नॉर्थ कोरियाई जहाजों में ऑयल ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्वीट में लिखा है कि अगर ये सब जारी रहता है तो नॉर्थ कोरिया समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। आपको बता दें कि अमेरिका ने पहले से ही नॉर्थ कोरिया पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, बावजूद इसके नॉर्थ कोरिया पर कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा और वो लगातार अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यूएन के इस बैन का नॉर्थ कोरिया पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के व्यापारिक संबंध खास तौर पर रूस और चीन के साथ हैं। इन दोनों देशों के साथ नॉर्थ कोरिया का करीब 90% एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। इसी के चलते अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चीन से नॉर्थ कोरिया पर दबाव बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। बावजूद इसके चीन ने नॉर्थ कोरिया से किए जाने वाले बिजनेस के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हालांकि हाल ही में चीन ने ये कहा है कि उसे नॉर्थ कोरिया को ऑयल सप्लाई रोक दी है। नॉर्थ कोरिया से चीन और रूस कोयला, लोहा, सीसा, टेक्सटाइल, केमिकल्स, स्टील और सीमेंट जैसे सामानों का आयात करते हैं। ये नॉर्थ कोरिया की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में नॉर्थ कोरिया ने मछली पालन तेजी से बढ़ाया है, जिसके चलते अब चीन को मछलियां भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। इसके बदले में नॉर्थ कोरिया चीन और रूस से पेट्रोलियम पदार्थ, मशीनरी, मिलिट्री इक्विपमेंट, अनाज और कई तरह के खाद्य पदार्थ आयात करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और चीन के स्मगलर नॉर्थ कोरिया को मदद पहुंचाते हैं, क्योंकि इन दोनों ही देशों की सीमाएं नॉर्थ कोरिया से लगती हैं। टीम इंडिलिंक्स।